नमस्कार, मैं सविता शेखावत, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मिल्क पाउडर और पनीर की बर्फी बनाऊंगी, जो कि एक भारतीय मिठाई है। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं। इस मिठाई को आप किसी भी त्योहार पर या फिर जब आपका मन मीठा खाने का हो, आप इस मिठाई को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिल्क पाउडर लिया हमने 150 ग्राम, शक्कर ली हमने पीसी हुई 100 ग्राम, 100 ग्राम हमने पनीर लिया है, 75 ग्राम के आसपास हमने घी लिया है और दूध भी सेम माप में लिया है, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। बर्फी जमाने के लिए हम एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम घी लगाएंगे। घी को हम चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि हमारे पीस अच्छे से निकल आए। घी को हमने कंटेनर के अंदर अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। गैस ऑन करके अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसके अंदर घी डाल देंगे। घी डालते ही थोड़ा सा घी गर्म होते ही हम उसके अंदर दूध डालेंगे। ये देखिए घी गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसके अंदर मिल्क पाउडर डालेंगे और मिल्क पाउडर डालकर हम इसको 1 से 2 मिनट तक बारीक गैस पर चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। गैस का फ्लेम हम कम रखेंगे। जब पेस्ट भुन जाएगा तो इसमें घी अलग से दिखाई देने लगेगा, तब हम इसके अंदर शक्कर पाउडर डाल देंगे। पेस्ट भुन चुका है, हमारा घी अलग हो गया है, अब हम इसके अंदर शक्कर पाउडर डाल रहे हैं। ये देखिए शक्कर पाउडर भी डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। जैसे जैसे शक्कर पिघलेगी इसके अंदर पेस्ट पतला हो जाएगा, तो हम उसको लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसके अंदर पनीर डालेंगे। पनीर को हमने पहले से ही क्रश करके रख लिया था। ये देखिए इसको ऐसे बारीक क्रश कर लेना है। पनीर डालने से बर्फी का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, वह दिखने में भी दानेदार दिखाई देती है। पनीर डालने के बाद इसको हम लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। पनीर डालने के बाद इसको गाढ़ा होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यह 1 से 2 मिनट के अंदर ही गाढ़ा हो जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा पेस्ट एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम मावे के जैसा दिखने लगा है और ये कढ़ाई में इकट्ठा होने लगा है। इसका मतलब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको हम कंटेनर में डालकर जमा लेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट को कंटेनर में भर लिया है और एक सार कर दिया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे। काजू बादाम जो हमने लिए थे उनको हमने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है और उससे हमने इसको गार्निश किया है। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रीज में रख लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम एक चाकू लेंगे और उससे इसके पीस कट करेंगे। ये देखिए हमने पूरे पीस अच्छे से कट कर दिए हैं। अब हम इसको निकालने से पहले एक बार कंटेनर को थोड़ा गैस पर रखकर गर्म कर लेंगे, जिससे हमारे पीस आसानी से निकल आए। ये देखिए इसका पूरा पीस आसानी से निकल आया है। ऐसे ही हम बाकी के पीस भी निकाल लेंगे और प्लेट को गार्निश करेंगे। यह बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं, तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।